Dear students, today we are going to study History Chapter 5th, Mass Media and History. In this chapter, we are going to see the introduction to mass media, history of mass media, the need of mass media, and then critical understanding of the information received through mass media. Mass media se milne wali jo information hai, usko critically हमको अंडरस्टैंड करना है हाउ टू अंडरस्टैंड इट एंड देन मास मीडिया एंड इट्स प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द हिस्ट्री. सो लेट अस स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको सीखना. फर्स्ट ऑफ ऑल वन एग्जांपल हैज बीन गिवन हियर. थिंक अबाउट इट. थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मास मीडिया. फर्स्ट, what could be the method of sending a news to Delhi if there were a famine in Bihar in the Mughal period? So agar Mughal period mein Bihar mein famine aa gaya, famine pata hai na aapko, baad ho gaya ya fir sukha ho gaya, jo bhi hai famine. Okay, so agar Mughal period mein Bihar mein agar baad aayi hogi to uski news Delhi tak pahunchne ke liye किस मेथड का यूज किया होगा. हाउ द मैसेज वुड बी कन्वेड, हाउ द न्यूज इज कन्वेड इन दैट पीरियड. देन हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार फॉर द बादशाह हर्ड द न्यूज, आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज. और जब बादशाह ने ये न्यूज सुन ली होगी अबाउट द फेमाइन, फेमाइन की न्यूज बादशाह ने सुनने के बाद बिहार तक हेल्प मिलने में कितना समय लगा होगा. कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, ऑफ कोर्स इमेजिन कर सकते हैं. दिल्ली तक जाने के लिए मुगल पीरियड में न्यूज को बहुत समय लगेगा, बिकॉज एट दैट टाइम देर वेर नो टेलीविजन, नो मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी. दैट मीन्स मेल रनर्स को न्यूज लेकर जानी होगी और वहां पर जाने तक बहुत समय हो जाएगा. और वो न्यूज पहुंचने के बाद एड मीन्स हेल्प पहुंचने के लिए भी बहुत समय लगेगा, बिकॉज देयर वेर नो कम्युनिकेशंस, गैप थी, कम्युनिकेशन नहीं था वहां पर ज्यादा, है ना. तो तब तक मे बी यहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिहार में, राइट. सो this at that time it was the lack of the communication, it was the lack of the media communication. Okay, us samay media nahi tha, communication nahi tha. Aaj kya hota hai, you know, agar America mein bhi agar kuch ho jata hai, drought aa jata hai, drought hota hai, famine hota hai, ya fir earthquake ho jata hai, ek building bhi agar gir jati hai, to we come to know immediately on the television, right? Hame immediately wahan par pata chal jata hai कि कहां पर क्या हो रहा है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या होता है, ये हमको इमीडिएटली पता चल जाता है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मीडिया, मास मीडिया. ये मास मीडिया की वजह से ही पॉसिबल है. सो लेट अस सी व्हाट इज मास मीडिया. अब मास मीडिया क्या है ये देख लेते हैं. मास मीडिया हैज मेड विद द टू वर्ड्स, दो शब्दों से बना हुआ है, राइट. इट कंटेन्स टू वर्ड्स, इट हैज, इट इज मेड विद टू वर्ड्स, मास एंड मीडिया, ऐसे दो वर्ड से बना हुआ है, राइट. सो मास मींस द पीपल, मास मींस द पीपल, इन द कॉन्टेक्स्ट मींस एन एग्रीगेशन ऑफ द पीपल, पीपल, ऑल पीपल, मास मींस ऑल द पीपल. एंड मीडिया मींस द मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन. सो मास मीडिया पीपल्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, पीपल्स वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो दिस इज नोन एज द मास मीडिया. Thus, mass media is a field of mass communication. और इस तरह से mass यानि लोग और media यानि modes of communication जिससे लोग आपस में communicate करते हैं, contact में आते हैं. Okay, so mass media एक mass communication का field है. Means mass media की वजह से people can communicate to each other, people can know about each other. एक दूसरे के बारे में उनको पता चलता है. So this is the field of mass communication. We can easily send some information to a far away destination through a medium of communication. जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर अमेरिका या जापान में या कहीं पे भी वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड कुछ भी होता है, इमीडिएटली वी रिसीव द न्यूज,
हमको न्यूज इमीडिएटली मिलती है, पता चल जाता है कि कहां पे क्या हो गया है. सो वी कैन इजीली सेंड एनी इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन, बहुत दूर के भी डेस्टिनेशन, इन द रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, हम बोल सकते हैं कि इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी कैन सेंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के मीडियम के हेल्प से हम बहुत दूर तक के ये इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं. इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों की अगर बात की जाए, इफ एनी न्यूज वुड हैव टू बी स्प्रेड, अगर कोई न्यूज बतानी है, लोगों को बतानी है, तो क्या होता था? यू नो, आपको चिल्लाते हुए क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट्स बीटिंग ड्रम्स एंड क्राइंग आउट इंपॉर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द किंग. आपको पता है कि वो क्रायर आता था, जोर जोर से चिल्लाता था, सुनो सुनो सुनो, है ना, महाराज ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है. सो द इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट वॉज कन्वेड बाई द किंग वॉन्टेड टू कन्वे द न्यूज टू द पीपल दैट वॉज कैरीड आउट बाई द क्रायर. क्रायर ड्रम बीट करते करते चिल्ला चिल्ला के वो न्यूज स्प्रेड करता था. And the news would spread among the people by word of mouth. इस तरह से orally this news would spread in the olden time. Olden times में news orally spread होती थी. So understood. So mass media, this is the mass media. But nowadays the pattern has been changed. आज television, internet, आज mobile phone, ऐसे बहुत से mass medias आ गए हैं जिसकी help से in a jiffy we get the information. हमको बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, हाउ इट डेवलप, मास मीडिया कैसे डेवलप हुआ वो हम देखते हैं. यू नो, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. सो 1600 ब्रिटिशर्स already they were coming from the earlier, but in British East India Company was established in 1600. Okay, afterward when they came to India and they started to ruling in India, the printing technology and newspaper were brought by them into India. Okay, means printing technology and newspaper were introduced to India after the arrival of Britishers. Britishers आने के बाद में हमें printing technology और newspaper क्या होता है ये पता चला. People started receiving printed news through newspapers और after Britishers arrival हमें जो भी news होती थी throughout the country वो newspaper के through हमको मिलती थी. So printed news were received by us through the newspapers and in this way newspaper became the first mass media of circulating information and knowledge among the people. और इस तरह से newspaper ये पहला mass media बन गया, ये पहला mass medium बन गया जो हमें information और knowledge लोगों तक पहुंचाता था. So अगर हम बोलते हैं कि which is the first mass medium for circulating the information and knowledge among the people, that is newspaper. Okay, newspaper ये पहला मास मीडियम बना जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी, न्यूज मिलने लगी. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूज़पेपर. अब न्यूज़पेपर का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है. सो न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन. न्यूज़पेपर एक ऐसा पब्लिकेशन होता है विच मेनली प्रिंट्स, जिसमें मेनली प्रिंटिंग की जाती है. क्या क्या प्रिंट होता है, वी कैन क्रिएट हियर वेब चार्ट ऑल्सो. वेब चार्ट भी बन सकता है यहाँ पर, कंसेप्ट चार्ट यहाँ पर बन सकता है. प्रिंटेड न्यूज़पेपर अ पब्लिकेशन ऑफ, है ना, ऐसा. देन द प्रिंटेड न्यूज़ प्रिंट्स होती हैं, एडिटोरियल्स प्रिंट होते हैं, पब्लिक्स ओपिनियन प्रिंट्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है एंड अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट भी इसमें ऐड होता है. सो सच थिंग्स आर, न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन. न्यूज़पेपर एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसमें न्यूज प्रिंट की जाती है, एडिटर्स के व्यूज मीन्स एडिटोरियल्स यूज किए प्रिंट किए जाते हैं, लोगों के ओपिनियंस, प्रिंसिपल्स ओपिनियन इसमें किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं. देन एंटरटेनमेंट होता है और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट भी इसमें दिया जाता है. So it is printed and distributed regularly at a definite time. Some papers are daily, हम रोज कुछ papers हमको मिलते हैं. Some papers are periodicals, कुछ papers ऐसे periodicals after a particular time that
they come to us after 8 days, 10 days, 15 days, 20 days, जो भी टाइमिंग होता है, periodicals होते हैं. So, these printed papers are distributed. These printed papers are distributed regularly at a definite intervals or at a definite time. Regularly, उसको distribute लोगों में किया जाता है and that information is conveyed to the people. Newspapers provide various local, national and international news. आप अगर न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको ऊपर में टॉप में कॉलम दिखते हैं देन विद इन नेशनल न्यूज लोकल न्यूज. आपने देखा होगा दैट एवरी न्यूज़पेपर, अगर हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल न्यूज़पेपर इज ओवर देयर, नागपुर महानगर है ना. सो इन दिस वे न्यूज़पेपर हैज द लोकल न्यूज, लोकल न्यूज भी उसमें आती है, नेशनल न्यूज भी आती है एंड इंटरनेशनल न्यूज भी इसमें दी जाती है. So newspapers, और इसीलिए आपने देखा होगा कि newspapers since the British times, newspapers British times से है. So it is in newspaper everyday news are given, everyday news are given in newspapers. So that's why अगर 1947 के जो 1947 का जो नेशनल फ्रीडम का जो इंडिपेंडेंस हमको मिल गया था, द इंफॉर्मेशन वुड बी पब्लिश एट दैट टाइम इन दोज न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइप ऑफ दैट कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स, राइट. सो वी कैन गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट हिस्टोरिकल इवेंट इन दोज पेपर्स, पेपर्स में, उस न्यूज़पेपर्स में हमको उस समय की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड रिगार्डिंग कंसिडरिंग दिस, न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स which record the current times. और इसीलिए newspapers बहुत ही important historical documents हैं जिसमें current events को record किया जाता है. Because अगर हम अभी की देखते हैं तो अभी की news newspaper में आती है. After 50 years ये newspaper they will be as the historical documents, है ना, ये historical documents की तरह use किए जाएंगे. So before 50 or 100 years ago के जो भी papers होंगे वो हमारे लिए आज historical documents है. They are useful in historical studies. Precursors of newspaper. Newspaper से पहले क्या होता था, ठीक है, newspaper आने से पहले क्या होता था, how the news was spread, how the knowledge was given, okay. So before the beginning of the common era, there was a custom in Egypt of placing inscriptions with the royal decree at public place. So क्या होता था, let us take an example of Egypt. Egypt का example लेते हैं कि before common era शुरू होने से पहले there was a custom in Egypt. Egypt में एक custom थी that they used to place the inscription with the royal orders at the public places. Public place है, वहाँ पर एक inscription बनाया जाता था, लिखा जाता था किसी चीज़ पर, okay, stone, you can say stone or the copper plate, anything, okay, उन पर लिखकर वो पब्लिक प्लेस में स्टिक किया जाता था, प्लेस कर दिया जाता था, सो दैट द पब्लिक प्लेस पब्लिक पीपल यूज्ड टू रीड दैट, ओके, लोग वहां पर आके पढ़ लेते थे, ओके. दिस वाज द कस्टम इन इजिप्ट. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विद द रॉयल डिक्रीज मींस ऑर्डर्स एट अ पब्लिक प्लेसेस. एम्परर अशोका के समय में क्या होता था, एम्परर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट. और यही मेथड, सेम मेथड, ओके, वॉज यूज बाई एम्परर अशोका टू रीच टू हिज पीपल. अपनी प्रजा तक पहुंचने के लिए यही मेथड, अपने ऑर्डर्स अपनी सब्जेक्ट्स तक पहुंचाने के लिए एम्परर अशोका भी इसी तरह का एक सिस्टम फॉलो करते थे. ही यूज टू स्टिक दैट ऑर्डर्स ऑन द पब्लिक प्लेसेस, ओके. इन द रोमन एम्पायर, देखते रोमन एम्पायर में कैसे होता था. इन रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वर रिटन ऑन पेपर्स. रोमन एम्पायर में क्या होता था, पेपर्स पर रॉयल ऑर्डर्स लिखे जाते थे, रॉयल डिक्रीज वर रिटन ऑन द पेपर्स एंड दोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स. और वो जैसे आज हम पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, किसी भी चीज की अगर एडवर्टाइजिंग हमें करनी है तो हम पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सिमिलरली रोमन एम्पायर में ऐसा ही होता था. इन रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वर रिटन ऑन पेपर एंड दे वर दोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द रीजन्स. सारे रीजन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे, लाइक अ न्यूज़पेपर बोल सकते हैं हम. दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल.
पेपर्स में इंफॉर्मेशन होती थी किस बारे में, वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन, नेशन में और इट्स कैपिटल में जो भी इवेंट्स होते थे, वॉट एवर द इवेंट्स टुक प्लेस, ऑल द इंफॉर्मेशन वर गिवन इन दोज पेपर्स which were distributed, okay, उन सारे papers में वो information होती थी. During Julius Caesar's reign, okay, during Julius Caesar's reign, newspapers were known as Acta Diurna, okay, Diurna, Acta Diurna. Julius Caesar के reign में, period में, administration में newspaper को Acta Diurna नाम से जाना जाता था. That means act of every day. Okay, used to be placed at public places in Rome. Okay, so what was known newspaper in during the Julius Caesar's time or administration? Acta Diurna. इस नाम से उनको जाना जाता था, जिसका मतलब था act of every day, acts of every day. These newspapers used to be placed at public places in Rome. Public places पर रोम में इसको लगाए जाते थे. It was a very effective way of conveying royal commands to people. Or in that period, it was very effective way to spread the news, spread the royal orders among the people. और ये बहुत ही effective way था उस समय कि उसके through royal orders को लोगों तक पहुंचाया जाता था. Then again evolution in the 7th century CE. 7th century CE में क्या हुआ? Royal dictates were distributed among people at public places. 7th century में जैसे हम pamphlets बांट देते हैं public places पे, उस तरह 7th century में royal orders जो होते थे वो public places पर distribute कर दिए जाते थे. In England, handouts used to be distributed occasionally. और England में handouts means pamphlets, ओके, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे बीच बीच में. ओकेजनली दे वर डिस्ट्रीब्यूट, हैंड आउट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली इन इंग्लैंड. गिविंग इंफॉर्मेशन थ्रू दिस दोज हैंड आउट्स क्या दिया जाता था? गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वॉर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में इंग्लैंड में इन हैंड आउट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन, न्यूज पेपर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती थी. Travelers arriving from far away would add spice to stories from those places and narrate it to local people. और travelers जो दूर दूर से travelers आते थे वो क्या करते थे? In spice to the stories जो होती थी उनमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर उन places से जहाँ से वो आते थे अपने अपने places, for example a traveler is going from India to England, okay, or that Europe, तो यूरोप में जा रहा, तो ट्रैवलर अपने यहाँ की स्टोरीज को थोड़ा सा स्पाइसी बनाकर, मसालेदार बनाकर, थोड़ा सा ऐड करके उसको वहां पर नैरेट किया जाते थे, वहां के लोगों को नैरेट किया जाता था. द एम्बेसडर्स ऑफ द किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट. और इस तरह से एम्बेसडर्स जो आज भी एम्बेसडर्स हमारे पास में होते हैं, हमारे एवरी कंट्री वी हैव द एम्बेसडर्स है ना, हमारे एम्बेसडर्स हर कंट्री में होते हैं. सो एम्बेसडर्स ऑफ अ किंग के एम्बेसडर्स अलग अलग जगह पर पोस्ट किए जाते थे. दे यूज टू सेंड बैक द इंपॉर्टेंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट विद द हेल्प ऑफ द पेपर्स. इन दिस वे राइटिंग ये भेजे जाते थे. सो बंगाल गैजेट, okay, this is the first English newspaper in India. Remember this, okay? It is important. Bengal Gazette, the first English newspaper in India, which was printed on 29th January 1780. Okay, ये print किया गया था. Bengal Gazette was printed on 29th January 1780. This is the first English newspaper in India. It was named as Calcutta General Advertiser. Okay, it was named as Calcutta General Advertiser or Bengal Gazette. Iska naam rakha gaya tha Calcutta General Advertiser or Bengal Gazette. So this was the first English newspaper. It was started by James Augustus Hickey. Who started the Bengal Gazette? It was started by James Augustus Hickey, an Irish gentleman. He was an Irish gentleman. James Augustus Hickey was an Iron Englishman, and he started this Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser in 1780, January 1780. Darpan.
Darpan newspaper, the newspaper was started in 1832 in Mumbai. Okay, this was the Darpan was the newspaper which was started in 1832 in Mumbai. Bal Shastri Jambekar was the editor of the newspaper. So who was the editor of the newspaper Darpan? Bal Shastri Jambekar. Okay, he was the editor of this newspaper. Make a list. आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए. आप यू हैव टू प्रैक्टिस इट. सो इन दर्पण न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई. मुंबई में स्टार्ट हुआ था एंड बाल शास्त्री जांबेकर वाज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर. मेक अ लिस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम. सो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी उसमें अगर आप सर्च करोगे तो. सो द न्यूज प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिवाइव्ड टू नो अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल इवेंट ऑफ दोज टाइम्स. सो इस न्यूज़पेपर में कौन से न्यूज प्रिंट होते थे. अगर इफ वी रिवाइव द दर्पण, दर्पण को अगर हम रिवाइव करते हैं तो हमको पता चलेगा कि इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चरल इवेंट ऑफ दोज टाइम्स आर stored. Okay, इसमें printed किए जाते थे. ये issues इसमें print किए जाते थे. Here are few news titles as example. Some examples दिए हैं. So ये political, economical, social and cultural events of that time were published in Darpan. For example, the accounts of expenditure from three administrative divisions of the East India Company. This is one of the title from the newspaper Darpan. The accounts of expenditure from the three administrative divisions of East India Company. Another title was there, the danger of Russian attack on the nation. The danger of Russian attack on the nation. Then another title, appointment of a committee for cleanliness of the city. See, this is the social title. Okay, remarriage of Hindu widows. ये भी social title है. Then the inception of theatre at Calcutta. Okay, achievements of Raja Ram Mohan Roy in England. Reporting of such news throws light on various historical events of those days. तो राजा राम मोहन राय जैसे social worker पर भी इस newspaper में लिखा जाता था. So you can understand it. The Darpan newspaper throws light on the historical events of that time. उस समय के बहुत सारे historical events पर ये प्रकाश डालता है. One window is left over there. Let us see that. Do you know? Bal Shastri Jambekar is referred to as the first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. So Marathi newspaper, okay. His birth date 6th January is observed in Maharashtra as the Patrakar Din Journalist Day. Remember, this question is asked. 6th January is observed in Maharashtra as the Patrakar Din or Journalist Day. Why? तो आपको ये आंसर्स देने होंगे. दर्पण वॉज द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर. ओके, दर्पण वॉज द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर जिसमें बाल शास्त्री जांबेकर वॉज द फर्स्ट एडिटर. वो फर्स्ट एडिटर थे न्यूज़पेपर के और इसीलिए महाराष्ट्र में ये न्यूज़पेपर क्रिएट चला था, पब्लिश हुआ था मुंबई में. एंड दैट्स वाई ही वॉज द फर्स्ट एडिटर और इसीलिए उनकी मेमोरी में उनके वर्क को रिमाइंड रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए 6 जनवरी इज ऑब्जर्व एज द महाराष्ट्र पत्रकार दिन और जर्नलिस्ट डे. ओके, इस पर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना आपने. ठीक है, ज्ञानोदय, सॉरी पहले प्रभाकर देख लेते हैं. प्रभाकर, दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन. ओके, हु स्टार्टेड प्रभाकर? भाऊ महाजन. द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे. ओके, रिमेंबर दिस, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे, द लेटर्स बाय लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख aimed at creating social awareness were published in this newspaper. This newspaper played a very role of creating social awareness among the people in India. Okay, French Revolution के बारे में शतपत्रे जो letters थी लोकहितवादी ने लिखे हुए, गोपाल हरि देशमुख जिनको लोकहितवादी कहा जाता है, उन्होंने जो भी letters लिखे हुए थे, those letters were published in this newspaper प्रभाकर, so that they can create the social awareness in India.
किया, इंडिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखकर, हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, शतपत्री, इनके बारे में लिखकर वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे, एंड दैट वाज स्पेशली पब्लिश इन प्रभाकर। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर, ये पहला न्यूज़पेपर था जिसने मैप पब्लिश किया था, मैप प्रिंट किया था। ओके, सो मैप ऑफ एशिया इन इट वॉज पब्लिश इन 1842 एंड यूरोप्स मैप वॉज पब्लिश इन 1851 इन द न्यूज़पेपर ज्ञानोदय। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एन इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ज्ञानोदय। सो द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग an illustration in an Indian newspaper for the first time, तो इस तरह से जो honor है कि पहली बार ये किया था कि maps का illustration create करके उसको maps का description उन्होंने जो दिया था, तो ये जो credit है ये Indian newspaper में पहली बार हुआ था, and that goes to ज्ञानोदय, वो ज्ञानोदय को जाता है, ज्ञानोदय has done this first. This honor goes to ज्ञानोदय newspaper which has done this. They published the maps of Asia, maps of Europe, and they describe it. Okay. So the news of installation of telegraph. देखो ये भी news, ऐसे भी important news were given by ज्ञानोदय. They published such type of news. Installation of telegraph used for electrically transmitting a news can be seen in ज्ञानोदय. ओके, द न्यूज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ का इंस्टॉलेशन जिसका यूज इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज कैन बी सीन इन ज्ञानोदय, कि न्यूज को स्प्रेड करने के, इलेक्ट्रिकली स्प्रेड करने के लिए टेलीग्राफ का यूज हुआ और वो इंस्टॉलेशन इंडिया में हुआ, ये न्यूज भी ज्ञानोदय ने ही दी थी। द न्यूज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेलवे इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल चाक्य मसोबा, मीनिंग मसोबा विद स्टेप्स। ओके, सो रेलवे स्टार्ट होने की जो न्यूज थी वो भी ज्ञानोदय में पहली बार आई थी, जिन्होंने चाक्य मसोबा टाइटल के अंडर में इस न्यूज को छापा था। सो मीनिंग मसोबा विद हिल्स, भैंस विद द हिल्स। ओके, इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इतना ही नहीं, इस न्यूज़पेपर में 1857 का वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो था, दीज न्यूज वर ऑल्सो प्रिंटेड इन दिस न्यूज़पेपर। सो दैट्स वाई रिगार्डिंग दिस न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ओके, 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में भी, इस बारे में भी इसमें छापा गया था। न्यूज इन दोज टाइम्स वर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, यू नो कि उस समय में कम्युनिकेशन मीडियम्स बहुत कम थे, एंड दैट्स वाई न्यूज़पेपर वॉज द मेजर मीडियम टू क्रिएट द सोशल अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम था। अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंदु प्रकाश, ओके, दूसरा एक है इंदु प्रकाश, सपोर्टेड विडो मैरिजेस, रीमैरिज इन अ बिग वे। इंदु प्रकाश जो न्यूज़पेपर था, इट इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, कि आपको अगर रॉन्ग पेयर में भी पूछा जा सकता है, विडो रीमैरिजेस, इंदु प्रकाश। ओके, इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर सपोर्टेड ग्रेटली टू द विडो मैरिजेस। दीनबंधु अनादर न्यूज़पेपर, दीनबंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले, द क्लोज एसोसिएट कृष्णराव भालेकर। ओके, सो दीनबंधु न्यूज़पेपर वाज रिप्रेजेंटिंग द मासेस, बहुजन समाज को, इंडियन सोसाइटी के जो डाउन ट्रॉडन जो लोग थे, जो देयर वर डिप्राइव्ड पीपल भी हम बोल सकते हैं, उनके बारे में, उनको रिप्रेजेंट करता था दीनबंधु, विच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले क्लोज फ्रेंड, क्लोज एसोसिएट कृष्णराव भालेकर। इन्होंने ये, कृष्णराव भालेकर स्टार्टेड दीनबंधु, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, एंड वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। और इस तरह से ये दिस न्यूज़पेपर was representing to the Bahujan Samaj, and that's why हमको उस समय की जो भी information है वो इस newspaper से उनके बारे में हमें मिलती है। Now let us see another newspaper, केसरी and मराठा। केसरी and मराठा, these are well popular and well known newspapers published by लोकमान्य गंगाधर तिलक।
So Kesari and Maratha, the news, two newspapers are indicative of an important stage in the history of Indian newspaper before independence. Okay, so Kesari and Maratha, these two newspapers are very important. They are the indicative of the important stage in history of Indian newspaper, Indian before the independence. Independence ke pehle ki newspaper ki Indian newspapers ki history mein they have the important role. Bahut hi important role hai. Okay, so these Kesari and Maratha, these two newspaper plays an important role. They are indicative how the Indian newspaper develop, how the Indian newspaper develop. ये हमको इन न्यूज़पेपर्स को देख के पता चलता है. सो हिस्ट्री, दे आर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर द इंडिपेंडेंस. गोपाल गणेश आगरकर, ओके, गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर्स इन 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे. They spoke about the social and political issues of the period. उस period के social and political, they used to discuss, they used to speak, they tried to make create awareness among the people about the social and political issues. Social और political issues को discuss किया करते थे and they tried to create awareness, लोगों में जागरूकता फैलाते थे. Kesari began to publish articles about the nationwide situation, books in the native languages and the politics in England. Okay, Kesari. Actually, Kesari was a Marathi paper. Okay, so Kesari began to publish articles about the nationwide situation. Pure desh mein kis tarah ki situation hai ke in Kesari they used to publish articles on that situation. Us situations mein wo articles likhe jate the. Books in the native languages and the politics इन इंग्लैंड. ओके, इंग्लैंड में क्या पॉलिटिक्स है, उस नेटिव लैंग्वेजेस की जो बुक्स थी वो पब्लिश किए जाती थी. इन द 21st सेंचुरी न्यूज़पेपर हैव कंटिन्यूड टू फुलफिल एन इंपॉर्टेंट रोल. और इस तरह से 21st सेंचुरी में न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. इट वॉज एक्नॉलेज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी, और इसीलिए बिकॉज ऑफ द इट वॉज क्रिएटिंग द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो रहा था एंड दैट्स वाई न्यूज पेपर वॉज एक्नॉलेज एज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी. उसको फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा कंसिडर किया जाता था, रिकोगनाइज किया जाता था. देन मैगजीन एंड जर्नल्स. Magazines and journals are periodical publications. Magazines and journals daily publish नहीं होते हैं, जैसे newspaper are printed regularly and daily they are circulated among the people. Magazines or journals regular नहीं होते, they are printed and published after a particular period. So these are the periodical publications. This category includes publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, six-monthly or annual, etc. Okay, so in periodical publications, में periodicals में अलग-अलग categories होती हैं. Okay, they have the category. Some are weekly, कुछ weekly होते हैं, कुछ bi-weekly after 15 days, कुछ monthly होते हैं, कुछ bi-monthly दो-दो month के बाद में, कुछ quarterly 3 months के बाद में, 6 months और annual. साल, एक साल में एक बार publication होता है, issue होता है. So such type of periodicals are there. These are the categories of the periodicals. You can have वो वेब चार्ट ओवर हियर, वेब चार्ट में पूछा जा सकता है आपको कि किस द कैटेगरीज ऑफ द पीरियडिकल्स. देयर मे बी सम क्रॉनिकल्स व्हिच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम. कुछ क्रॉनिकल्स भी होते थे, क्रॉनिकल्स डिड नॉट हैव द फिक्स टाइम टू पब्लिश. जब भी वो बुक कंप्लीट हो जाती थी इट वुड बी पब्लिश. ओके, क्रॉनिकल्स का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था, दे वर पब्लिश ऑन नो फिक्स टाइम. कोई भी पब्लिक टाइम फिक्स टाइम नहीं था, कभी भी वो पब्लिश किए जाते थे. In recent times, many newspapers have introduced e-newspaper. During this corona period, so e-newspaper ज़्यादा चला. So e-newspaper, the e-newspapers are being received well by the readers. है ना? Through internet, हमको ये newspapers मिल जाते हैं. Learn to read e-newspaper with the help of your teacher, or you can you are well introduced with the newspapers. Okay, so Bal Shastri Jambhekar started the first monthly magazine in Marathi. आपको
पत्रकार दिन, जर्नलिज्म डे याद रखना है. ओके, बालशास्त्री जांभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी. मंथली मैगजीन, फर्स्ट मंथली मैगजीन वॉज स्टार्टेड बाय बालशास्त्री जांभेकर. इट वॉज नेम्ड दिग्दर्शन. ओके, क्या नाम था इसका? दिग्दर्शन. अमॉन्ग द पीरियडिकल्स प्रगति, नाउ अ डिफंक्ट जनरल, वॉज स्टार्टेड 1929 एंड एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर सेजवालकर. तो प्रगति नाम का एक पीरियडिकल था, जनरल, इट वॉज अ डिफंक्ट जर्नल था, जर्नल था. इसको 1929 में पब्लिश किया गया था एंड इट वॉज एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर सेजवालकर. He wrote regularly in his historiographical journals. Okay, उन्होंने इसमें historiographical journals regularly लिखे हुए हैं. So let us search and find out. एक ले लेते हैं. Apart from the journals cited above, there are many more journals related to research in history published in Marathi, Hindi, English, in various institution, by various institution and universities. Search and find out about them with the help of the internet. So I hope you have understood. In Maharashtra, of Maharashtra, okay, यहाँ पर देखो, see, आप देखेंगे कि historiographical journals of in Maharashtra जो है, Maharashtra's history and social movements, महाराष्ट्र की हिस्ट्री और सोशल मूवमेंट्स के बारे में उन्होंने अपने जर्नल्स में लिखा हुआ है. ओके, करंटली देयर आर मेनी पीरियडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से पीरियडिकल्स हमको अभी मिल जाते हैं. मराठी जर्नल्स सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति. ओके, मराठी जर्नल्स सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद प्रतीक पत्रिका में बी सिटेड एज एग्जाम्पल्स. ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है अबाउट दीज आर द पीरियडिकल्स अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कीप वॉचिंग.